वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि Team07 और दूसरे क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, क्योंकि वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली स्टोरी आ रही है वो आ रही है Adnan07 की तरफ से, और यहाँ पर इसको बुलाया गया है IHFF ओलंपिया की तरफ से। तो उससे रिलेटेड अदनान ने कुछ स्टोरीज अपलोड की है, आइए देखते हैं। हे गाइस, आई एम कमिंग टू IHFF ओलंपिया व्हिच विल बी हेल्ड ऑन 17th ऑफ नवंबर एट नेस्को गुरेगांव। सो वहाँ पे मैं रहूंगा बॉडी फार्म न्यूट्रिशन के बूथ पे, और न्यू प्रोडक्ट की सैम्पलिंग होगी और छोटे मोटे चैलेंजेस होंगे। आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो अमेजिंग प्राइजेस मिलेगा। मिलते हैं संडे को बॉडी फार्म न्यूट्रिशन के बूथ पे, और कहीं नहीं। और जो अगली स्टोरी आ रही है अदनान की तरफ से वो ये है कि आज है चिल्ड्रंस डे, तो उसने अपने बचपन की एक फोटो अपलोड की है अपने इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। गाइस, वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि अभी फैज टू फैज इन सब से रिलेटेड न्यूज आने में है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अनुष्का सेन की तरफ। तो यहाँ पर ये मिली कुछ सेलिब्रिटीज से, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, नूपुर सेनन एंड भी कुछ और लोग। अगली स्टोरी आती है ऐश्वर्या खान की तरफ से, और यहाँ पर फिर से लगता है न्यू सॉन्ग आने वाला है, और अगर अब आया ना मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसने लकी डांस के साथ ये वाली फोटो अपलोड करते हुए नीचे लिखा है ऑफ टू देहरादून समथिंग बिग कमिंग सून। तो लगता है ये दोनों का सॉन्ग ही आएगा। साथ ही साथ एक दो स्टोरीज भी अपलोड की है, आइए देखते हैं। हाय गाइस, सो हम लोग देहरादून आ रहे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो या रुको, दूसरा नहीं तीसरा भी हो सकता है। तीसरा मीन्स तीसरी भी हो सकती है, और वो है अशीमा। जी हाँ, क्योंकि उसने ये वाली स्टोरी अपलोड करते हुए कहा फाइनली देहरादून, अब ये भी गई वहां पर, तो हो सकता है ये तीनों सॉन्ग में रहे, अगर सॉन्ग आ रहा हो तो। अगली शुरू आती है Faisu07 की तरफ से। तो यहाँ पर ये फोटोशूट पे गए थे, तो उस समय का बिहाइंड द सीन वाला छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देख लो। साथ ही साथ फैज बलोच ने फैसु के साथ एक दो स्टोरीज अपलोड की है, वो भी देख लो। बिस्मिल्लाह, रमीज भाई बिस्मिल्लाह, इगल इगल आर्मी। गाइज, अभी तो फैसु एंड फैज से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आने में है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अवनीत कौर की तरफ, और जैसे कि आप सबको मैंने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका न्यू सॉन्ग आ रहा है निक के साथ। तो यहाँ पर जब इस सॉन्ग की शूटिंग चालू थी उस समय कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और एमरजेंसी की वजह से वो लोग को सॉन्ग बहुत ही जल्दी शूट करना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा कि दो दिन का उन लोग के पास कुछ समय था उस सॉन्ग को शूट करने के लिए, लेकिन जहाँ पर वो लोग शूट कर रहे थे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। अब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो लोग को दो दिन के बजाय कुछ ही घंटों में वो सॉन्ग की शूटिंग करना पड़ी। अगली शुरू आती है अवेश दरबार की तरफ से। तो यहाँ पर अवेश दरबार एंड नगमा कहीं तो गए हैं। जी हाँ, उन लोग ने कुछ स्टोरीज अपलोड की है, आइए देखते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो लोग दुबई गए हैं, क्योंकि रिसेंट पोस्ट जो मैंने चेक किया हुआ अवेश दरबार की, उसमें जो लोकेशन है वो दुबई का है। सेंसर लगा हुआ है, पार्किंग सेंसर। जैद भाई ऐसा लग रहा है तुम क्रिकेट खेलने आ रहे हो, ओकलेस लग रहे हो। सन्यास नहीं, संन्यास हो रहे बस बस पैर दुख रहे हैं। एंड चलिए गाइस, अब चलते हैं हम लोग फैज बलोच की तरफ। तो यहाँ पर वो लाइव आए थे और उन्होंने कुछ बातें कही है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो उनका सॉन्ग कब आएगा। सो आपको जैसे बता रहे हैं कि मेरा और शिफा का नया सॉन्ग आ रहा है भाई, सॉन्ग कब आ रहा है, बस ये वीक में आने वाला है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कल वाले वीडियो में भी आप लोग से पूछा था, वो ये कि सद्दू कहाँ है चार दिन से। तो मुझे लगा ही था कल वाले वीडियो में, मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि लगता है वो सॉन्ग की शूटिंग में बिजी हो गए। तो यहाँ पर फैज ने भी यही कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो शूटिंग में बिजी है, अब वो सॉन्ग की या किसी और चीज़ की वो नहीं बताया है। सद्दू कहाँ है वो कुछ पोस्ट नहीं कर रहा है, तो वो शूट पे बिजी है।
अगली स्टोरी आती है भाविन की तरफ से, तो ये भी अब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। एंड चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आ रही है Faisu07 की तरफ से, और अभी तक उन्होंने इससे रिलेटेड एक भी स्टोरीज पोस्ट नहीं की। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे कि मैंने आप लोग कल वाली वीडियो में बताया था कि IWM बस की तरफ से काफी सारे टिकटॉकर्स, काफी सारे यूट्यूबर्स लोग को अवार्ड मिला है। अगर मैं टिकटॉकर की बात करता हूँ तो वो है लक्की डांसर एंड जन्नत जुबैर। जन्नत जुबैर को जो अवार्ड मिला था वो था मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार। जी हाँ, फीमेल में उसको अवार्ड मिला, लेकिन जो मेल में यानी कि Faisu07 उनको भी अवार्ड मिला है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं IWM बस की तरफ से ये आर्टिकल छपा है, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार मिस्टर Faisu। तो जी हाँ भाई, उनको भी अवार्ड मिला है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि उन्होंने स्टोरीज क्यों नहीं डाली, वो अवार्ड लेने क्यों नहीं गए। जो भी अपडेट रहेगी आगे मैं आप लोग को दे दूंगा। अगली स्टोरी आती है ममता मैम की तरफ से, तो लगता है इनका न्यू म्यूजिक वीडियो आने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा एक्साइटेड फॉर दिस न्यू वन #music। ये भी लक्की डांसर और रिश्वा का तो नहीं है। अगली स्टोरी आती है पूरबी की तरफ से, तो ये एक साल से डिप्रेशन का शिकार है। मजाक करो, लेकिन यहाँ पर उसने ये वाली वीडियो अपलोड करते हुए कहा व्हाई सो डिप्रेसिंग डे। अब हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ पूरबी, तुमने मेरी स्टोरी देखे थे ठीक है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया, पहली फुर्सत में निकल। अगली स्टोरी आती है सलोनी की तरफ से, तो लगता है ये भी अब यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि इसने ये स्टोरी अपलोड करते हुए कहा, नीचे काफी कुछ लिखा है, मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये दो वीडियो में से किसी एक वीडियो के लिए सजेशन मांग रही है। पहला जो है वो ये है थॉट्स बिफोर फर्स्ट, और सेकेंड पीपल्स रिएक्शन टू। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग पढ़ लो, लेकिन काफी सारे लोगों ने जो है पीपल्स रिएक्शन पे क्लिक किए हैं। अगली स्टोरी आती है सना खान की तरफ से, वैसा ये स्टोरी टॉकर्स हाउस से रिलेटेड ही है, और लगता है सभी कंटेस्टेंट्स को बोल दिया गया है कि आपको झगड़ा करना है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सना खान ने जिस हिसाब से इंटरव्यू में बोला है वही देखकर है किससे झगड़ा होने वाला है, ये तो हाई चांसेस है। हमको तो लिटरली ये बोल दिया गया है, मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, जो जो फ्रेंड्स है आप लोग का करा के ही रहेंगे, तो हमको तो बोला ही गया, तो हम मेंटली प्रिपेयर होके जा रहे, कोशिश करेंगे ना लड़े। और एक चीज मम्मी ने हमेशा से सिखाई है बेटा, कभी ना किसी की उधारी मत रखो, सूद समेत वापस करो। अगली शुरुआत ये अब्दुल की तरफ से, तो ये भी आ गए हैं अब ट्विटर पर। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट एंड इवेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर जन्नत जुबैर आ रही है न्यू दिल्ली में। अब से मैंने ये नहीं बोलूंगा आ रही है, सब न्यू दिल्ली ही जा रहे हैं। शादाब खान के हो गए हैं 1 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, आमिर सिद्दीकी के हो गए हैं 3 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, अवनीत भी आ रही है न्यू दिल्ली में। शादाब खान का जो अगला मीटअप प्लान है वो होगा दिल्ली में। लक्की डांसर के हो गए हैं 14 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे। समीर मार्क ने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें खाली वो चल रहे थे, और उस पर ही 3.2 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो गई। एंड यहाँ पर जैज अहमद का एक अकाउंट है F3 ऐप पर जिसे वेरीफाइड कर दिया गया है, तो सभी को कॉन्ग्रेट्स। बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये ID कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।